स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां कब होंगी, फैसले के लिए कल सुबह वज़ीरे तालीम का इजलास तलब। वफ़ाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। इजलास में बच्चों की वैक्सीनेशन और सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में मुंतकिल करने की तजवीज पर गौर किया जाएगा। हुकूमत का कल से नो वैक्सीनेशन नो सर्विस को यकीनी बनाने का हुक्म। जिला भर में कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर पाबंदी आज करने का फैसला। मुल्तान समेत सुबह भर के तमाम इजला के लिए सेंटर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई। तमाम अफसरान, डिप्टी कमिश्नर्स और सीओ हेल्थ के साथ कोरोना मुहिम को कामयाब बनाएंगे, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी लाने के लिए इकदाम। जनूबी पंजाब समेत सुबह भर में 2000 से ज्यादा वैक्सीनेटर्स भर्ती करने का फैसला कर लिया गया। मुस्तकिल बुनियादों पर वैक्सीनेटर्स की भर्तियां नवे स्केल में होंगी। रहीम यागार में 127, मुल्तान 86, बहावलपुर 82, मुजफ्फरगढ़ 78, डीजी खान 71 और खानेवाल में 49 वैक्सीनेटर्स भर्ती होंगे। जनूबी पंजाब के इकलौता चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान, सहूलियात कम, मरीज ज्यादा होने पर लवाहकीन परेशान। अस्पताल की 100 साल पुरानी इमारत में नए वार्ड्स की तौसी की जगह भी खत्म। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का तौसी मंसूबे के लिए अस्पताल का दौरा। नई स्कीम के लिए तमाम महकमों को मुश्तरका लाहे अमल बनाने की हिदायत। गैस लोड शेडिंग ने लकड़ियों के बढ़ा दिए दाम, कीमतों में इजाफे से परेशान हो गई बेचारी आवाम। सादिकाबाद में खुश्क लकड़ी 450 रुपए प्री मन में फरोख्त होने लगी। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी लाने का मुतालबा। कोटचुट्ठा चोटी जरी में वाटर सप्लाई स्कीम की बंदिश। रूही की खबर पर एमएनए सरदार मोहम्मद खान लगारी का नोटिस। बिलों की अदायगी और मशीनरी की सफाई के बाद वाटर सप्लाई स्कीम बहाल कर दी। शहरियों का रोही और सरदार मोहम्मद खान लगारी इसके लिए इजहार तशक्कुर। तरक्याती कामों में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। तुनसा में वाटर सप्लाई, टफ्टार्स और सीवरेज के मंसूबों का गैर तसली बख्श कर सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब जावेद अख्तर का नोटिस। काम की रिपोर्ट तलब करते हुए ठेकेदार को नोटिस जारी, मंसूबों का रिकॉर्ड भी तलब कर। भक्कर तरक्की याफ्ता शहरों की दौड़ में होगा शामिल। शहर में 11 अरब की स्कीमों पर काम का आगाज। 4 कॉलेजेस, अस्पताल और मुतादिद सड़कें बनेंगी। जायजा इजलास में डिप्टी कमिश्नर को मुतालिक अफसरान ने ब्रीफिंग दी। मुल्तान के सरकारी स्कूलों को खस्ता हाल फर्नीचर से मिलकर निजात। शहर के 10 मॉडल स्कूल्स को 1 करोड़ मालियत का फर्नीचर पहुंचा दिया गया। डिप्टी डीओ एलिमेंट्री स्कूल से कहा कि तलबा की तादाद ज्यादा होने की वजह से फर्नीचर कम बढ़ गया था। भक्कर से तालीमी पासमानदगी के खात्मे का आज़म। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज भक्कर की नई बिल्डिंग का काम मुकम्मल। एमएनए डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। पेट्रोल के कम ना हुए दाम, डॉलर की कीमत बरकरार। महंगाई से तंग आ गई आवाम। बढ़ती हुई महंगाई के बायस तमाम कारोबारी अफराद परेशान। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। डॉलर की तारीखी उड़ान, कारोबारी शख्सियात परेशान। मुल्तान में एग्जीक्यूटिव मेंबर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महबूब अलाही का कहना है कि डॉलर 178 से तजावज कर चुका है। डॉलर रेट्स बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी, हुकूमत को डॉलर रेट्स में संजीदगी दिखानी चाहिए। दो रोज कबल मियांवाली में वजीर आजम की आमद पर जलसा। पीटीआई रहनुमा को पुलिस अहलकार पर हाथ उठाना महंगा पड़ गया। रहनुमा आमिर खान सवान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोटचुट्ठा के मकीनों को मिलेगा बर वक्त इंसाफ, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का ऐसा इकदाम। कोटचुट्ठा में अदालतों के कयाम की मंजूरी दे दी। जिला इंतजामिया को जगह मुख्तस करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सदर डेरा गाजी खान ने बार कहा कि कोटचुट्ठा 11 साल से जुडिशरी से महरूम थी। ख्वातीन पर तशद्दुद के वाकयात में इजाफा। शाहरुख ने आलम कॉलेज मुल्तान में सेमिनार। ख्वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ तालिबान की परफॉर्मेंस को सबने खूब सराहा।
हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में तकरीब, स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिमिनल लॉ पे शुरका ने लेक्चर दिया। 12 अहदेदारान और वकला की कसीर तादाद में शिरकत। करप्शन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान विजन हैदर अब्बास वटू गिरोही से गुफ्तगू। कहा कि करप्शन शिकायत पर फौरी कार्रवाई कर रहे हैं, शहरियों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की हिदायत। बहावलपुर में गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा। काश्तकार खाद के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। किसानों ने गंदम टारगेट पूरा न होने का खदशा जाहिर कर दिया। लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर भी खाद न मिलने पर शिकवा। डेरा गाजी खान में LHVs का एहतजाज। खातीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी। मुजाहरीन ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, नौकरी से निकालकर हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है।